दोस्तों आज ना कैनल पर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। पापा जी के पैर में चोट लगी हुई है, लेकिन वो आज कैनल पर नहीं गए, वो आज एक घोड़ी देखने के लिए गए हैं शायद। तो सारा सामान जल्दी से हम गाड़ी में रखते हैं और निकलते हैं कैनल के लिए। कैनल पर जाने से पहले ना यार कई सामान लेने पड़ते हैं। वैसे आज भूस वगैरह तो कुछ लेना नहीं है, आज सीधा सीधा हमें गोश्त लेना है सबसे पहले, और उसके बाद सीधा कैनल पर जाना है। जल्दी से पहले मैं गोश्त वाले भैया को कॉल कर देता हूँ कि गोश्त तैयार रखें। दोस्तों गोश्त की दुकान पर तो मैं पहुंच गया हूँ, वो रही मेरे सामने। जल्दी से मैं गोश्त लेकर आ जाता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ और फिर निकलते हैं सीधा कैनल पर। तो गोश्त मैंने ले लिया है दोस्तों, और ये रहा मेरे हाथ में वो रही अपनी गाड़ी। तो फाइनली अब निकल रहे हैं भाई कैनल के लिए। अब कहीं ब्रेक नहीं मारनी हमें, सीधा कैनल पर मारनी है। तो फाइनली यार मैं कैनल पर पहुंच गया हूँ, साइड में कैनल है। तो कैनल के बाहर मेरा दोस्त भी आ गया। हाँ चलो 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 कर दो। तो कैनल के अंदर दोस्तों आ चुके हैं मैं और मेरा ये छोटू दोस्त। लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा, तो आज सारा काम निपटाना पड़ेगा यहाँ का। निपटा देगा ये आज मेरी हेल्प करने वाला सारा काम निपटाने में, क्योंकि पापा जी अभी आए नहीं है ना। जब तक पापा नहीं आते तू मेरा सारा काम करवाएगा आज। सबसे पहले तो चेरी के जो बच्चे हैं ना, जानता है तू, उनको ना दही रखेंगे, ठीक है? ले पकड़, आ जा मेरे पीछे पीछे, लाइस में कर के अंदर ना जल्दी से कैंपर से थोड़ा सा पानी लेके आ, थोड़ा सा ही बस। तो दही तैयार है, कहाँ जा रहा है? आ जा अब रख इन बच्चों के, उठा के रखना थोड़ा सा ताकि पैर वैर न अड़ा सके अपने, ठीक है? चल नहीं 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 हानी हानी हानी, हाथ में रख, हाथ में रख, बस ऐसे ऐसे रखना। आ जा भाई दोस्त, चल बाल्टी तेरे से उठेगी नहीं, नहीं बाल्टी मैं उठा के ले जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आ जा तुम, पानी इसी से पिलवाएंगे। हाँ शाबाश, ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं, पानी मैंने यहाँ रख दिया, अब इसे पकड़ के खड़ा हो जाओ। जैसे जैसे पीता जाए थोड़ी थोड़ी तिरछी करते जाइए, बस करता रहे थोड़ा थोड़ा ऐसे, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और बाल को ऐसे मत झांको, कुत्ते भोंकेंगे, कुत्ते खुल रहे हैं, कुत्ते खुल रहे हैं। हाँ भाई लड़के पी लिया पानी? थोड़ा सा ही पिया है और नहीं पी रहा, चला जा जल्दी से। अब बारी है दोस्तों युवराज की, अब युवराज को पानी पिलाएंगे। कैसे उठाएगा इसे? अरे शाबाश भाई, गांव के लड़कों में जान होती है। नीचे रख नीचे रख नीचे रख यहाँ पे, और नीचे से पकड़ ले ऐसे, बस शाबाश। जोर पड़ रहा है? डर मत डर मत डर मत, कुछ नहीं करने का, बस आजा शाबाश। तो भाई एक ही बारी में इस बालक ने ना तीन घोड़ों को पानी पिला दिया। अब बारी है गाय की, और ये बच्चे कैसे बाहर निकल गए? चलो 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 चलो, और आराम से आराम से आराम से आराम से, उसको पकड़ उसको पकड़, पकड़ी उसे, चल अंदर लिया 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 लिया, कोई बात नहीं अंदर कर देने, बस हम गेट लगाना भूल गए थे यार। कोई बात नहीं, हम गेट लगाना भूल गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बाहर आ भी जाएंगे तो क्या, बाहर क्या देसी कुत्ते थोड़ी खुल रहे हैं। दोस्तों अब बारी है झूमर की, झूमर ने खाली कर दी बाल्टी, देखियो मुझे तो लगता है इसने पी लिया, अभी है, कोई बात नहीं। दोस्तों दो तीन दिन पहले जब विजेंद्र मामा आए थे ना, और उन्होंने युवराज को चलाया था, जैसे युवराज रेस्ट पर था, तो उन्होंने अचानक से जब इसकी ट्रेनिंग कराई एकदम से, जिसकी वजह से इसके पिछले जो पैर है ना वो अकड़ गए हैं। आज हमें क्या करना है, हमें गर्म पानी करके इसके पिछले पैरों की सिकाई कर देनी है, ताकि जल्दी से जल्दी वो सही हो जाए। हमने आज ही नोटिस करी ये बात भी, हमने जैसे इसे अंदर से निकाल कर बाहर बांधा, तब हमने नोटिस करा कि इसके पिछले पैरों से इसको चला ही नहीं जा रहा। तो पानी दोस्तों तैयार है, और इस पानी में हमने नमक वगैरह और भी बहुत सारी चीजें डाली हैं, जो कि दर्द से राहत दिलाती हैं। और यहाँ पर अब सिकाई इसकी चालू हो चुकी है युवराज की। यार जैसे पापा जी इसकी सिकाई कर रहे हैं ना, तो ये लात चला रहा है। ये शाम का टाइम हो रहा है, तो फिर मक्खियां वक्खियां लगती हैं इस टाइम, और ये मक्खियां उड़ाने के लिए जब लात चलाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मक्खी उड़ा रहा हो लात से और वो पापा जी को लग जाए। तो इसी वजह से पापा जी अब इसकी पिछाड़ी बांध रहे हैं। पिछाड़ी बांधने से हम इसका एक छोर वहां बांध देंगे, तो फिर ये लात नहीं चला पाएगा, और फिर आराम से हम इसकी सिकाई कर सकते हैं। ये देखो भाई, ये पिछाड़ी यहाँ पर लगा दी है हमने इसके दोनों पैरों में। अब दूसरी रस्सी
दूसरी तरफ से वहां बांध दी जाएगी। तो रस्सी वहां पर बांध दी है और अब उम्मीद है कि अब युवराज लात नहीं चलाएगा। ये देखो भाई, इस तरह से पापा जी अब इसकी सिकाई आराम से कर सकते हैं। दोस्तों युवराज की सिकाई पूरी हो चुकी है, अब देखते हैं इसको फायदा लगता है नहीं लगता है। लेकिन अब ना, अभी हम अपने सारे डॉग्स को हमने खोल रखा है, इनको हमने खाना रख दिया और अब सिर्फ घुमाना रह रहा है। घुमाने के बाद ना हम इसको भी थोड़ी सी यहाँ पर चक्कर कटाएंगे और देखेंगे कि इसको कितना दर्द है कितना नहीं है। घूमने से इसकी थोड़े शरीर खुलेगा, मसल्स थोड़ी सी और खुलेंगी, गर्म होने के बाद थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा। कोको कोको चल, चेरी आ, चलो। तो सब डॉग्स का काम हो चुका है, खाना भी इनको रख दिया है और इनको घुमा भी दिया है। अब बारी है युवराज के चक्करों की, जल्दी से इसको लगाम पहनाते हैं पहले। ये ज्यादा नखरे नहीं करता, बहुत प्यार से लगाम ले लेता है। शाबाश, मुझे तो इंतजार है जब हमारे पंछी और हीरा को हम लगाम लगाएंगे ना आने वाले समय में, तब वो पता नहीं कैसा रिएक्शन देंगे। अब इसकी जल्दी से पिछाड़ी खोलनी होगी, उसके बाद इसको वहां चक्कर कटाएंगे। इस साइड चारों तरफ पैर की पिछाड़ी खोल दी, दूसरे पैर की भी खुल चुकी है। बस भाई ये चेक करें, जहां जहां युवराज चल रहा है ना, देखिए मिट्टी कैसे उखाड़ दी है इसने। और भाई इसके पैर चेक करें, जहां जहां इसके पैर पड़ रहे हैं ना वहां से मिट्टी एकदम से ऊपर आ जाती है। ये सही है यार, हमारे अगर पूरे कैनल में हम इसको घुमा देना तो मिट्टी ऐसी हो जाएगी। चलो भाई चलो 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 चलो, अभी थोड़ा सा दर्द है ना, तो थोड़ा चलने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे ये गर्म हो जाएगा ना, वैसे वैसे इसका दर्द भी खत्म होता चला जाएगा और ये बढ़िया भी चलेगा। चल अगर इसको दर्द नहीं हो रहा होता ना, सिर्फ पापा जी को एक रस्सी ऐसे पकड़नी होती और यूं यूं चारों तरफ ही चलता रहता। चल आज ये खुशी से नहीं चल रहा यार अपनी, इसको हमें चलाना पड़ रहा है। चल चलो 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 चल चल, अब पापा जी इसके पीछे पीछे चल रहे हैं ना, अब चलेगा तेजी से। ये चेक करें, चल 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 चल, देखो भाई भागने लग गया ना एकदम से, ये डर भी होना जरूरी है। ये देखें भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ जैसा जैसे ये चल रहा है ना, सर्कल देखो किस तरह से बना दिया। सोचो अगर इसका पैर हमारे पैर पे रखा जाए तो बस सोच सकते हैं आप क्या हाल होगा हमारे पैर का, जब जमीन इतनी ज्यादा उखाड़ दी है इसने, कितना भारी जानवर है। चल युवराज, एक दो दिन में पंछी की बारी आने वाली है, पंछी को भी ऐसी चक्कर कटाएंगे हम। यार मेरे ख्याल में 30 या 40 चक्कर तो पापा जी ने इसको कटवाई दिए होंगे और फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा होगा, मुझे पता है। ये देखो भाई कुछ नहीं बिगड़ा, अगर मैं इसकी जगह होता भाई मुझे तो अब तक चक्कर आ जाते। तो पापा जी ने अब इसको रोक दिया है, मुझे लगता है कि इसकी आज की ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, बस इसको और नहीं भगाते। ओहो हो, पापा जी ने ना दूसरी साइड शिफ्ट कर लिया है, अब ये ऐसे चक्कर काटेगा। मुझे लगा था इसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई भाई, अभी तो दूसरी साइड भी रह रही है ना। इस साइड घूम गया, अब इस साइड घूमेगा ऐसे, एक बार क्लॉकवाइज फिर दोबारा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड के पैर सही होने चाहिए ना, एक साइड फिर ज्यादा लोड पड़ जाएगा एक साइड कम पड़ेगा। तो अब जाकर इसके ये दोनों के दोनों साइड के चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं और हमने अब इसको आजाद कर दिया है। जाओ भाई खेलो, देखो भाई ऐसे चल रहा है यार। कोई बात नहीं, एक या दो दिन तक अकड़ाहट रहेगी, उसके बाद अकड़ाहट जब सही हो जाएगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलो यार अब इसका ये वाला गेट खोल देते हैं, ये अपने आप अंदर चला जाएगा। युवराज आजा, चल 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 यार अंदर नहीं जाके तेरा। इसको यार इस वाले घर की आदत है ना, तो इसमें ही जा नहीं रहा है हमारा। भाई देखो पापा जी ने डंडा उठा लिया, एकदम चला गया अंदर।
तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आज हमने युवराज के पैरों की सिकाई कर दी क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। बाकी देखते हैं कल कैसे उसका पैर सही होते हैं नहीं होते हैं। तो वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हूं, ओवर एंड आउट।